दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्र के समय को बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र माना गया है। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इसकी शुरुआत घट स्थापना से होती है। कलश स्थापना के साथ जौ भी बोए जाते हैं। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक माँ की पूजा के साथ इनकी देखरेख भी की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि में बोए गए जौ आपके आने वाले शुभ और अशुभ समय का संकेत देते हैं। जौ के रंग बताते हैं कि आपके आने वाले दिनों में खुशियां आएंगी या फिर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आपने भी नवरात्रि पर जौ बोए हैं, तो हमारी ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। सदियों से चली आ रही नवरात्रि में जौ बोने की परंपरा के पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हमारे धर्म ग्रंथों के मुताबिक माना जाता है कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तो पहली फसल जौ की ही थी। इसके साथ ही इसी दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है। यही कारण है कि जब भी किसी देवी देवता का पूजन किया जाता है तो हवन में जौ का इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं कि जौ बोने से माँ दुर्गा और माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसलिए चैत्र नवरात्रि में जौ को जरूर बोया जाता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक नवरात्रि में जौ बोने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और इसे बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए नवरात्रि की शुरुआत जौ बोने से ही की जाती है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि पर जो जौ उगाई जाती है वो भविष्य से संबंधित कुछ बातों के संकेत भी हमें देती है। बता दें, अगर आपका जौ 2 से 3 दिन में ही अंकुरित होकर तेजी से बढ़ने लगे और इसका रंग सफेद या फिर हरा हो तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि जिन लोगों पर माता रानी मेहरबान होती हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि और खुशियां आने वाली होती हैं। उनके जौ सफेद या फिर हरे रंग के होते हैं। अगर आपके जौ का रंग आधा हरा और आधा सफेद है, या फिर पहले जौ हरा उगा और बाद में सफेद हो गया, तो इसका संकेत ये है कि साल की शुरुआत अच्छी जाएगी, लेकिन उसके बाद कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, यानी ये साल आपके लिए मिला जुला साबित हो सकता है। वहीं अगर 9 दिनों में जौ ना उगे या पीली पड़ जाए तो ये एक अशुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपके परिवार पर कोई बड़ी समस्या आने वाली है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जौ बोने से वर्षा, फसल और व्यक्ति के भविष्य का अनुमान भी लगाया जाता है। कहते हैं कि जौ उचित आकार और लंबाई में नहीं उगे तो उस वर्ष कम वर्षा होगी और फसल भी कम होगी, इससे भविष्य पर असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।